अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 113 चैप्टर नंबर 3 और 123 चैप्टर नंबर बाइनोमियल थ्योरम रैशनलाइज एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस वाई की होल पावर। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है और फिर हमने इसको एक्सपैंड करना है। एक्स ए की वैल्यू है और प्लस करते हुए बी की वैल्यू माइनस वाई है और इसकी पावर एन है जो कि 5 है। एंड करना है एनसीआर मेथड का। एनसीआर में होता है एनसीआर, एन हमारे पास जो है वो 5 है, एन सी 0 हो जाएगा, 5C0 रेंज होती है एनसीआर में, रेंज है होती है एन तक चले, तो 5C0 हमारे पास 2x जो है इसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम 5 और b है माइनस वाई, इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर प्लस किया 5c1 हो गया, ये 2x की पावर हो जाएगी कम 4 और b की पावर में हमने एक ऐड कर ली प्लस 5c2 हो गया, पावर आपकी हो जाएगी अब 3 और b की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2, एक बढ़ती जाएगी प्लस किया 5c3 हो जाएगा, ए की पावर अब हो जाएगी हमारी कम होते हुए 2 और बी की पावर जो है वो बढ़ते हुए 3 बन जाएगी, प्लस किया भी हमारी दो टर्म्स मजीद 5C4 और 5C5 रह गया, 5C4 हो गया और ए की पावर अब हमारी हो जाएगी कम होते हुए 1, पावर जो हो जाएगी यहाँ पर प्लस किया और 5C5 आ जाएगा हमारा, ए की पावर हो जाएगी अब कम होते हुए 0 माइनस वाई, इसकी पावर हो जाएगी। स्टार्ट में हमने देखा ए की पावर मैक्सिमम रखी और बी की पावर मिनिमम, एट द एंड क्या हुआ की पावर में हम एक कम करते गए और बी की पावर में हम एक ऐड करते हुए इसको मैक्सिमाइज बना दिया। ए की पावर जैसे कि आपने देखा मैक्सिमम से कम होते हुए मिनिमम की वैल्यू जो है वो मिनिमम से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमाइज हो गई और ये एनसीआर जो है ये 4C आपकी वन, अगर आपको एनसीआर नहीं निकालना आता तो 5 शिफ्ट प्रेस करते हुए ये डिवाइड का बटन प्रेस कर ले, यहाँ पर ये एनसीआर लिखा होगा बटन आपने प्रेस करना और उसके साथ ही आपने जीरो पे निकालना है, तो आप जीरो 5C0 आपका वन होता है। इतना बाकी वैल्यूज भी आप जैसे 5C2 भी आप निकाल सकते हैं। 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, आप 2 को 5 टाइम्स तक 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द हो जाएगा 16, 16 टू द 32 आ जाएगा 32, साथ ही x की पावर हो गई 5, साथ ही देखिए पावर 0 हो वो 1 होती है, बस आ गया 5c आपका जो 0 1 होगा वो 5 के, कैलकुलेट करके देखिए की पावर 4 आपकी 6, साथ ही x जाएगी। मैं जरा थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, साथ ही देखिए माइनस y जो है इसकी पावर 1 है तो एज इट इज, साथ ही 5c2 आपका होता है वो 10 के, कैलकुलेटर पे आप निकाल सकते हैं 5C2 भी 10 होता है और 5C3 भी 10 होता है। वैसे मैं आपको एक वैल्यू पॉइंट करनी बता, 2 की पावर देखिए 8 हो गई, x का क्यूब आ गया और यहाँ पर देखिए पावर पॉजिटिव है, इवन है, माइनस साइन में पावर इवन है तो पॉजिटिव हो, साथ ही y का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 5C3 मैंने जैसे बात की कि आप लिखे 5C वाले जो डिवाइड है और 3 आपका 10 ही होगा, 5C2 भी 10 है और 5C3 10 के इक्वल, यहाँ भी 10 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 टू द 4 हो गया, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वाई ये जो ब्रैकेट में माइनस वाई है ना, तो माइनस के ऊपर पावर ओड है, आपका नेगेटिव ही रहेगा, क्या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो माइनस ही रहेगा, साथ ही वाई का क्यूब आ जाएगा, प्लस किया एक्स 5C4 आपका 5 ही होता है, साथ ही ये 2x ही रहेगा और ये माइनस जो पावर पावर देखे क्या है इवन, ये पॉजिटिव हो जाएगी और y की 4
प्लस किया 5c5 आपका 1 होता है, पावर 0 है तब भी 1 है, ये आपका माइनस में रहते हो पाई की पावर 5 हो रही है, जो है वो पावर गुड है, साइन नेगेटिव है, माइनस ही रहे। फाइनली स्टूडेंट अब इसका आंसर निकालने वाले हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32x की 5, 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज, प्लस माइनस माइनस आ गया। आपको यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 16 करना है, यहाँ पे कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 16 किया तो 80 आ गया, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 80x और y आ जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 10 8 द 80 और आपका 80 के साथ ही x का क्यूब और y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही देखिएगा इससे नेक्स्ट जो है प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 4 द 40 x स्क्वायर और y का क्यूब हो जाएगा, और इसके बाद आपकी जो फोर टर्म होगी फिफ्थ टर्म है 5 to the 10 x और y की पावर 4, लास्ट में माइनस y की 5 आ गई। स्टूडेंट आपके इसका आंसर है, आंसर बिल्कुल चेक कर लीजिएगा इसको। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है वो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आपके साथ भी मुलाकात होगी नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।